पिछले साल 19 जुलाई को अपने साथियों को बचाते हुए सियासीन में कैप्टन अंशुमान सिंह शहीद हो गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल में ही उन्हें कृति चक्र से सम्मानित किया, लेकिन इसी बीच अब शहीद के माता पिता का बयान सामने आया है जिन्होंने अपने दुख को जाहिर किया। अंशुमान के पिता ने कहा कि बेटा भी चला गया और बहू भी सब कुछ लेकर चली गई, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। कृति चक्र विजेता शहीद अंशुमान सिंह के परिजन इस वक्त सुर्खियों में हैं। पिछले साल सियाचिन में शहीद हुए अंशुमान सिंह को राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने 5 जुलाई को मरणोपरांत कृति चक्र से सम्मानित किया था। यह सम्मान शहीद अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह और उसके मां मंजू देवी ने लिया, लेकिन अब शहीद के माता पिता ने मीडिया से बात करते हुए अपनी बहू स्मृति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। माता पिता ने अपने बयान में कहा कि उनके बेटा शहीद हुए लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला, सम्मान और अनुग्रह राशि दोनों बहू लेकर चली गई, उनका बेटा भी चला गया और बहू भी चली गई। इस दौरान शहीद कैप्टन अंशुमान के पिता रवि प्रसाद ने कहा कि वह NOK निर्धारित मापदंड में बदलाव चाहते हैं। इसके लिए वह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी अवगत करा चुके हैं। इसके अलावा 2 दिन पहले उनकी राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान भी उन्होंने इसमें बदलाव की अपनी इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि 5 महीने पहले ही उनके बेटे की शादी हुई थी और उनका कोई बच्चा भी नहीं है, पर अब माँ बाप के पास उनकी बेटी की तस्वीर के सिवा कुछ भी नहीं है। माता पिता ने दावा किया कि उनकी बहू अब उन्हें छोड़कर चली गई है और उन्होंने अपना एड्रेस भी चेंज कर लिया है। पिता ने कहा कि भले ही कृति चक्र लेते हुए उनकी पत्नी साथ में थी, लेकिन अपने हमारे बेटे के बक्से के ऊपर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। पिता ने कहा भले ही कीर्ति चक्र लेते हुए उनकी पत्नी शहीद अंशुमान की मां साथ में थी, लेकिन अब हमारे बेटे के बक्से के ऊपर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। पिता ने कहा हमारे साथ जो हुआ वह किसी के साथ ना हो। फिलहाल शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता के इन आरोपों के बाद भी पत्नी स्मृति का कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आया है। पत्नी स्मृति अब इस मामले में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि वह अपने माता पिता के घर गुरदासपुर में रह रही हैं।